ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर चल रहा गोरखपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के चक्का जाम और हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को भी कामकाज पूरी तरह से ठप रखा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष SP पांडे ने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो आवश्यक खाद्य पदार्थों की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कल से हमारे पूरी संस्था गोरखपुर ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन एवं गोरखपुर गुड्स ऑपरेटर एसोसिएशन ने मिलकर के संयुक्त रूप से पूरे जनपद में हम लोग चक्का जाम आंदोलन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर पूरी गाड़ियां खड़ी कर दिया। जगह जगह पर कोई गाड़ी चल नहीं रही। आज दूसरा दिन हड़ताल है। हड़ताल हम लोग का पूर्ण रूप से जारी रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे आने वाले समय में खाद्यान्न में जिसे सब्जी हुआ, दूध हुआ, फल हुआ और गैस हुआ, डीजल पेट्रोल हुआ, उसको भी सम्मिलित किया जाएगा। और लीकर की गाड़ियां जो वो ढोती थी मोलासेस, वो सब हमारे साथ आ गए हैं। वो अपना मोलासेस ढोना बंद कर दिए हैं। हमारी मुख्य मांग है डीजल की बढ़ोतरी कम किया जाए, टोल हटाया जाए और जो इनकम टैक्स है उसको कम किया जाए, थर्ड पार्टी बीमा जो प्रीमियम है उसको पुराने रेट पे किया जाए, तथा GST जो ई बिल का बी पार्ट है जो ट्रांसपोर्टरों को देना है उसको समाप्त किया जाए। ये हमारी 4-5 मुख्य मांगे हैं। जी, इसको बाहर रखें, हड़ताल से बाहर रखें। दूध, सब्जी, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, दवा को, इसको बाहर रखें हम लोग। बाकी टोटल डिलीवरी हम बंद कर दिए हैं। कहीं भी माल कोई हमारे गोदाम से नहीं निकल रहा है, टोटल बंद है, लागू हुआ है। और एक आध दिन इसका प्रभाव आम जनता पड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। ये बात वार्ता होगी। कल तो पार्लियामेंट में वो चल रहा था, बहस चल रहा था मेजॉरिटी को लेकर के। आज हमारे नेता जाकर के वार्ता करेंगे। आज समय दिया गया है।